हाँ जी नमस्कार, राधे राधे, हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताने वाले हैं। गुरुदेव का गोचर, कन्या राशि, कन्या लग्न वालों के लिए अष्टम भाव में, आठवें घर में कौन जाना चाहता है? कोई नहीं जाना चाहता भाई। अष्टम घर आध्यात्म का घर है, तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तो समय अच्छा है। यदि आपकी उम्र 60 साल है तब तो आपके लिए यह गोचर की स्थिति बेहतर जैसे फल देगी, लेकिन हम जो सांसारिक जीव है ना, बिल्कुल आध्यात्म की ओर बहुत जाना नहीं चाहते, कहना चाहते हैं आध्यात्मिक, दिखना चाहते हैं आध्यात्मिक, जीवन में आध्यात्म प्रकट हो जाए चाहते कम है। मेरे पास 70, 72, 75 साल तक के लोग फ़ोन करते हैं, तो मुझे लगता है कि अब कुछ अपने अंतिम स्थिति के बारे में बात करते हो करना चाहेंगे, लेकिन जो बात करते हैं कि कोई नया बिजनेस करूं, नया प्लाट करूं, तो बड़ा आश्चर्य होता है। इतना बीत जाने के बाद 70 साल के बाद अगर अभी तक आपने कुछ नहीं कर पाए तो अभी क्या कर ले जाएंगे। खैर, आज हम बात करेंगे, गुरु महाराज जा रहे हैं 12 वर्ष के पश्चात तो अष्टम भाव में, तो क्या फल देंगे। देखिए, आठवां घर अच्छा नहीं है और गुरु आपके कुंडली में महत्वपूर्ण भावों के कारक हैं। यद्यपि कन्या लग्न में गुरु को कारक नहीं माना जाता, फिर भी महत्वपूर्ण भावों के कारक हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि गुरु सुख है और गुरु सुख का मूल है। गुरु आपका माता है और आपके बच्चों की माता है, या आप जीवन साथी हैं, मतलब आप स्त्री हैं, तो फिर क्या है कि आपकी माता है और आपके पति हैं, ठीक है ना, आपके बच्चों के बाप हैं। आठवें घर में जा रहा है, आठवां घर वैसे आपका ससुराल है, तो गुरु ससुराल में जा रहा है, ससुराल में तो मान सम्मान होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे अपमान हो जाएगा, यहाँ पे सम्मान में कमी हो जाएगी, क्योंकि एक साल रहने वाले हो। अब आप कितने भी अच्छे दामाद हो ना, कहीं भी जाओ, बोलते हैं ना 2 दिन 3 दिन मेहमान, उसके बाद बेईमान, फिर आपको सम्मान नहीं मिलेगा। महाराज अष्टम भाव में मंगल के राशि में जा रहे हैं और साथ में कौन रहेगा, राहु रहेगा, चांडाल दोष, परफेक्ट चांडाल दोष यहाँ पे बनेगा, योग नहीं बनेगा, दोष बनेगा। इसलिए भाई ध्यान दे के कुछ बातों को सुनिएगा, उसको नोट कर लीजिएगा, समझिएगा, या जो अष्टम भाव में गोचरी स्थिति है आपके लिए बेहतर परिणाम कई मामलों में नहीं देगी। आपके लिए 2-3 मामले ऐसे होंगे जहां बेहतर परिणाम मिलेगी, तो 9 तरह से फल आपको गुरुदेव देंगे, 9 तरह में से 6 तरह मान के चलिए कि आपके लिए परिणाम बहुत सुंदर नहीं होंगे, 3 तरह के सुंदर होंगे। तो डिटेल में मैं आपको चीज़ें बता रहा हूं, नोट करके रखिएगा। उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, कर लीजिए भाई। कन्या लगन है, परिपक्व बुध है, कोई हल्का बुध नहीं है आपका, परिपक्व बुध है, बुध बुद्धिमान वाला है, इसलिए बुद्धिमत्ता तो यही कहती है कि आप मेरा सपोर्ट करिए। अगर आप अपने आप को समझते हैं तो, नहीं समझते हैं छोड़ दीजिए। हाँ, तो आपके लग्न और आपके राशि, कन्या लग्न कन्या राशि, उत्तर फाल्गुनी, हस्त और चित्रा, 3 नक्षत्रों की एनर्जी को लेकर चलने वाले आप लोग। लग्न में सूर्य महाराज की छायनी शक्ति है, व्यक्तित्व में हस्त स्थापना अगम्य शक्ति है, सरल है, उदार है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, लोगों से कनेक्ट होना बहुत अच्छा आता है, और प्रेमी इतने हैं कि झगड़ा ना हो इसलिए अपने अधिकार को छोड़ देने की शक्ति रखते हैं। गुरु सुख हैं, सुख का मूल है, भूमि भवन वाहन है, प्रॉपर्टी है, गाड़ी है, माता है, और जिससे विवाह किए हैं वो है आपका जीवन साथी है। आठवें घर में जा रहा है, आठवां घर एक गुफा है, आठवां घर एक ऐसी जगह है जहाँ पे इस लगन इस राशि में सपोर्ट नहीं है। कभी कभी आठवें घर में भी वो सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन कन्या लगन में मंगल अष्टम भाव के कारकत्व को लेकर चलते हैं और कन्या लगन के लिए मंगल ठीक नहीं होते, क्योंकि मौत के सौदागर हैं, अतः मंगल यहाँ पे एक्सीडेंटल हो जाते हैं। गुरु आपके मार्केश हैं, अब मार्केश मंगल के घर में जाएगा तो भाई आपको कोई दुश्मन मारने आ रहा है और उसको हाथ में वेपन मिल जाए या
आपका शत्रु उसकी मेजबानी कर ले जाए, फिर क्या बात है। भारत में क्या हुआ, पृथ्वीराज से बदला लेना था, उनका शत्रु ने बुलाया आ जाओ। इब्राहिम लोदी से बदला लेना था, सांगा ने बुलाया आ जाओ बाबर को, मजा आ गया। कम क्षमता होते हुए भी, बाबर की क्षमता कम थी लेकिन इब्राहिम लोदी को हरा दिया, फिर राणा सांगा को भी हराया। पृथ्वीराज के सामने वो पानी मांगता था, गोरी चाहते तो उसकी कई बार मुंडी अलग कर चुके होते, लेकिन नहीं, जयचंद मिल गया, हार गए। तो ऐसी स्थितियां क्रिएट हो रही हैं, तो बहुत संभल कर चलने की जरूरत है। खैर, एक लाइन में मैं बोलूं तो 22 अप्रैल 2023 से लेकर 1 मई 2024 तक गुरु करेंगे अष्टम भाव में गोचर, 9 तरह के फल देंगे। इसलिए 9 तरह के फल देंगे कि अश्विनी के 4 चरण, भरणी के 4 चरण और कृतिका के 1 चरण में यहाँ पे गोचर करेंगे, तो नवांश में जाके 9 तरह के फल आपको मिलेंगे। मैं डिटेल में बता देता हूँ, उसको नोट करके रखिए। संभलना आपको है मित्र, मैं सिर्फ आपको जागृत कर सकता हूँ, रास्ता बता सकता हूँ, चलना आपको है, लाइफ आपकी है, सारे डिसीजन आपके हैं, डिसीजन तो आपको ही लेना पड़ेगा। पहला, 22 अप्रैल से 21 जून तक लगभग 61 दिन के लिए अश्विनी नक्षत्र में गोचर करेंगे, तो वाहन अत्यंत सावधानी से चलाएं, आवश्यकता ना हो तो ना चलाएं, रेड कलर के वाहन को बिल्कुल छोड़ दें, ना चलाएं। अगर आप बड़े आदमी हैं तो सीट बेल्ट वगैरह पहन के चलें, मिडिल क्लास के आदमी हैं तो हेलमेट सर पे लगा के चलें, ठीक है ना, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि और जगह चोट लगेगी ना, तो ये हाथ तोड़वा लिया था, रॉड डलवा दिया हूँ, ये रॉड डला हुआ, ये निकलवाना भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस सर में चला जाता तो दिक्कत हो जाती, तो ध्यान दीजिएगा। रेड कलर के वाहन का परित्याग करिए, रेड कलर के वस्त्रों का परित्याग करिए, संडे और ट्यूजडे की यात्राओं का परित्याग कर दीजिए, ठीक है ना, ध्यान देने वाली बातें हैं। मंगल के और सूर्य के नक्षत्रों का परित्याग करिए, कहीं यात्रा करने के लिए करना पड़े तो कहीं और दूसरे में करिए, बेहतर परिणाम मिलेगा। 60 दिन का ये गोचर होगा अश्विनी नक्षत्र में, 15-15 दिन बांट लीजिए, तो स्टार्टिंग जो 15 दिन है वो थोड़े से तनाव में है, क्योंकि मेष राशि, मेष नवांश में है, उसके बाद जो 15 दिन है वो बेहतर जाएंगे, वो भरणी नवांश में है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो 15 दिन जाएंगे वो भी आपको बेहतर फल दे के जाएंगे। उसके बाद जो 15 दिन जाएंगे यहाँ पे थोड़ा सा बहुत ध्यान देना है, यहाँ पे कर्क नवांश, और कर्क नवांश क्या है आपके लिए, एक्सीडेंटल है, और यहाँ पे राहु और गुरु एकदम एग्जैक्ट पोजीशन में होंगे, चंडाल योग परिवर्तित हो जाएगा, तो यह 15 दिन दुर्घटनात्मक रूप से आपके लिए आएगा ही आएगा, दुर्घटना होने की संभावनाएं बन रही हैं। इसलिए पहला काम करिए, अगर आपको पता है कि आपकी कन्या लगन ही है तो एक पन्ना पहन के रखो, ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम सा बुधाय नमः जाप करते रहिए, कहीं निकलते हैं तो गणेश जी को स्मरण करके निकलिए, गणेश जी को दुर्वा चढ़ा के निकलिए, ग्रीन कलर के कपड़े कुछ न कुछ अपने पास रखिए, एक हैंगी रखिए, अंडरवियर बनियान या कोई शर्ट ही पहनिए, हरा कलर तो क्या है, प्रकृति का कलर है, बुरा थोड़ी ना है, पहन के रखिए, बेहतर परिणाम मिलेगा। इसके बाद ये फिर चले जाएंगे भरणी नक्षत्र में, भरणी नक्षत्र में जाने के बाद आपको थोड़ा रिलैक्स मिलेगा, थोड़ा सांस ले पाएंगे। गुरु जब अष्टम में जाएगा तो सुख का स्वामी कोमा में जा रहा है, माँ के लिए परेशानी है, किसके लिए, माता के लिए परेशानी, और जीवन साथी भी आपका पड़ेगा बीमार, तो आपकी माँ और आपके बच्चों की माँ या आपके पति दोनों बीमार पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उनके सेहत का भी विशेष ख्याल रखें, नहीं तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी जो अर्थव्यवस्था है डाउन होगी, पैसे बेवजह खर्च होंगे मंगल के साथ, मतलब हॉस्पिटल में पैसे आपको देने पड़ेंगे। जैसे भरणी नक्षत्र में जाते हैं तो सिंह नवांश में स्टार्टिंग होगा, तो यहाँ भी मेडिकल में आपके पैसे खर्च होंगे। 158 दिन के लिए भरणी नक्षत्र में जाएंगे, 3 पदा में जाएंगे, 4th पदा तक नहीं पहुंचेंगे, उसके पहले ही वक्री हो जाएंगे। इतना डिटेल में कहीं और वीडियो मिलेगा क्या, अगर नहीं मिलेगा तो सब्सक्राइब करो भाई और शेयर जरूर करना इस वीडियो को, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये जानकारी सबके पास पहुँचे, तो डे टू डे लोग अपने लाइफ को संभाल के रखें। बारिश आ रही है ना, आपको पता हो जाएगा, उस डेट की यात्रा आप कैंसिल करके रखिए, मौसम विभाग अलर्ट जारी कर देता है ना, भयंकर ज्वार आएगा, ज्वार भाटा आएगा, समुद्र में यात्रा ना करें, लोग यात्रा नहीं करते, बच जाते हैं, नहीं करेगा बहुत लोग मारे जाएंगे,
बस वही सिस्टम है यहाँ पे सर। तो वीडियो पसंद आएगा जरूर शेयर करिएगा, पसंद आएगा डेफिनेटली आपको। तो 4 सितंबर को वक्री हो जाएंगे, 31 दिसंबर तक वक्री रहेंगे, 117 दिन के लिए वक्री होंगे, उसके बाद मार्गी हो जाएंगे। वक्री होने का मतलब पुरानी चीज़ों को ठीक करना। तो गुरु का वक्री होना अष्टम भाव में, आप गोचर में देखें, अगर आपके कुंडली में गुरु में गोचर में कैसे हैं, सॉरी गुरु आपके लगन में कैसे हैं, अगर लगन में मजबूत हैं और आपके ऊपर शुभ महादशा चल रही है तो ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आपके गुरु कमज़ोर हैं और वर्तमान में महादशा आपकी कोई ऐसी चल रही है, अष्टमेश की दशा चल रही है, खष्टेश की दशा चल रही है, द्वादशेश की दशा चल रही है, तो भाई महामृत्युंजय मंत्र का जाप करा लो, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करा लो, अनुष्ठान करा लो, या अपनी कुंडली अपने आसपास के किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखा लो। हर जगह आजकल बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो यूट्यूब पे काम करते हैं वही, अच्छे एस्ट्रोलॉजरों की खौफ है इस समय इंडिया में। ये समय ज्योतिष के लिए बहुत अच्छा समय है, तो वहाँ पे आप दिखा लीजिए, वो आपको रेमेडीज बता देंगे, क्योंकि आपके बर्थ चार्ट से ही पता चलेगा। तो ज़रूर उपाय करिएगा, क्योंकि समय अचानक आप यात्रा कर रहे होंगे, अचानक कुछ आ जाएगा, गड्ढा आ जाएगा, गड्ढे से कोई निकल के रोड पे आ गया, बड़ी गाड़ी ऐसे मूव की उसके बीच आपकी छोटी गाड़ी आ जाएगी, फंस जाओगे, फंसते हुए दिखाई दे रहे हो, राहु चंडाल दोस्त बना रहा है, नशेड़ी कोई नशा करके गाड़ी चलाते हुए आएगा, जम से आगे निकल जाएगा, क्या कर लोगे आप, ब्रेक मारोगे गाड़ी के अंदर, ऐसी स्थितियाँ बन रही हैं, ऐसा आने वाले समय में दिखेगा। डराया नहीं जा रहा, बताया जा रहा है, शेष आपकी इच्छा। तो अपनी कुंडली इस बीच जरूर चेक करा लीजिएगा। जैसे ये भरणी में जाएंगे तो भरण पोषण का नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र, शुक्र के नक्षत्र में गुरु ज़्यादा दिक्कत नहीं देंगे। पहले क्यों दिक्कत दे रहे हैं, क्योंकि केतु के नक्षत्र में जा रहे हैं और केतु मंगल जैसा फल देगा, मंगल आपके लिए एक्सीडेंटल है। तो भरणी के पहले पदा में ये थोड़ा नुकसान करेंगे, सेकंड पदा अच्छा जाएगा, थर्ड पदा बहुत अच्छा जाएगा। तो 21 जून से 50 दिन निकाल दीजिए, और मतलब 21 जून 21 जुलाई 21 अगस्त नहीं 10 अगस्त तक, 10 अगस्त तक तनाव ज़्यादा है, 10 अगस्त के बाद फिर तनाव कम हो जाएगा। कितने दिन के लिए, 100 दिन के लिए। तो 10 अगस्त 10 सितंबर 10 अक्टूबर 10 नवंबर यहाँ पे तनाव कम रहेगा। यहाँ तक क्या है कि कन्या नवांसा तुला नवांसा रहेगा, और फिर यहीं पे वक्री हो जाएंगे, तुला नवांसा में वक्री होंगे, फिर लौट के कन्या नवांसा में आएंगे, फिर सिंह नवांसा में आएंगे और कर्क नवांसा तक की यात्रा करेंगे। तो ये वापस जब होंगे 31 दिसंबर को फिर मार्गी होंगे, 4 सितंबर को वक्री होना शुरू होंगे, भरणी नक्षत्र के तृतीय पदा में मतलब तुला नवांसा में वक्री होंगे, तो तुला नवांसा आपके लिए बेहतर है, कन्या नवांसा आपके लिए बेहतर है। इसके पश्चात ये 31 तारीख को मार्गी होना शुरू होंगे, फिर भरणी में प्रवेश करेंगे 3 फरवरी को, मतलब अश्विनी नक्षत्र में ही रहेंगे। तो ये दिसंबर और जनवरी भी आपके लिए तनाव देने वाला है, गति से सावधानी रखिएगा, गतिमान ज़्यादा मत होइएगा। 3 तारीख को भरणी में प्रवेश कर जाएंगे, भरणी में प्रवेश करते ही तनाव खत्म, तनाव खत्म। उसके पश्चात 17 अप्रैल को कृतिका में प्रवेश करेंगे, तो 17 अप्रैल से लेके 1 मई, ये कब की बात कर रहा हूँ, 2024 की बात कर रहा हूँ मैं, पूरा आपको एक साल तक गुरु के गुरु कहाँ कहाँ विजिट कर रहे हैं, किस कंडीशन में रहेंगे, पूरा एक साल का खाका आपको पेश कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि गुरु यहाँ यहाँ रहेंगे, इस तरह का फल देंगे। तो कृतिका में 17 अप्रैल से लेके 1 मई तक फिर आपको सावधान रहना है। अब गुरु कहाँ कहाँ प्रभाव डालेंगे, देखो महाराज जब आप घर के हेड होते हैं ना, तो अगर आप प्रॉब्लम में आए तो आपका जहाँ ऑफिस में काम करते हैं ऑफिस दबाव में आएगा, आपके माता पिता दबाव में आएंगे, क्योंकि बच्चा बीमार हो गया और आपकी पत्नी और बच्चे बीमार आएंगे, तो 6 जगह इमिडिएटली आपका प्रभाव पड़ेगा। तो गुरु के अष्टम भाव में जाने से 6 जगह इमिडिएटली प्रभाव पड़ेगा। पहले तो सुख पे प्रभाव पड़ेगा, दूसरा प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन साथी और व्यापार पे प्रभाव पड़ेगा, तीसरा प्रभाव पड़ेगा मिथुन राशि मतलब कर्मा पे और कर्क पे प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र इन दोनों राशियों पे चल रहा है,
तीसरा प्रभाव पड़ेगा तुला मतलब धन बैंक बैलेंस पे प्रभाव पड़ेगा और बंधुओं से भाई बंधुओं से संबंधों पे प्रभाव पड़ेगा। और चौथा प्रभाव पड़ेगा कुंभ और मीन पे मतलब शत्रु हावी होंगे, बीच में शत्रु भी आपके हावी होंगे। इस छह तरह का यहाँ पे प्रभाव पड़ेगा, तीन तरह का आपके कुंभ धनु पे और सप्तम भाव मतलब व्यापार पे और अष्टम भाव ससुराल पे, नौ तरह के प्रभाव पड़ेंगे आपके ऊपर, क्या करें। वसत्व प्रपन्ना शक्ति आपकी कमजोर हो रही है, व्यापना शक्ति कमजोर हो रही है। अब यहाँ पे अपने गुरु को आप कन्या लगन में गुरु को स्टोन पहनाने से मना किया जाता है, गुरु मारकेस होते हैं, लेकिन गुरु अकेले मार नहीं सकते, गुरु कभी मारेगा नहीं। क्यों नहीं मारेगा? देखो भैया, सुख का जो मूल त्रिकोण है ना वो धनु है कन्या लगन वालों के लिए, और गुरु धनु को ज़्यादा प्यार करते हैं, मीन को कम प्यार करते हैं। तो गुरु चाहेंगे कि धनु को नुकसान किसी भी कंडीशन में ना पहुँचे। मूल त्रिकोण राशि का पहले फल देंगे, तो जो माता का कारक है, जो सुख का कारक है, जो घर का कारक है, अगर वो आपको मार देगा तो सुख कहाँ से मिलेगा। गुरु तभी मारेगा जब मारने का कोई और व्यक्ति ना मिले मारने के लिए, तब गुरु मारकेस बनाएगा। और गुरु मारकेस सेहत को खराब करके बनाता है, आपका आपके अंदर शुगर की परेशानी आ जाएगी, किडनी प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू करेंगे, पेट खराब रहना शुरू होगा, स्थूल मतलब मोटापा बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो सेहत पे विशेष ख्याल रखें, लग्नेश को मजबूत करके रखें, एक पन्ना डेफिनेटली पहन के रखें, लाल कलर के कपड़े कम पहने, गुरु को मजबूत करना चाहिए। मेरे हिसाब से एक सफ़ेद पुखराज आपको पहनना चाहिए, लेकिन बर्थ चार्ट पहले चेक करा लो तब पहनो। मैंने तो पहना है, ये सफ़ेद पुखराज है ये वाला, आप भी पहन सकते हो, लाभ मिलेगा भाई। मच्छर काटे उसके पहले मच्छरदानी लगा लो, बेहतर परिणाम मिलेगा। गुरु के मंत्रों का अगर आपको पता है कि आपके कन्या लगन है, कन्या राशि है, डेफिनेटली पहन लीजिए। नहीं पता है तो फिर आपको संदेह होगा, फिर बहुत डरना भी नहीं है, क्योंकि यह गोचर ज़्यादा लग्न पे पड़ेगा, राशि पे प्रभाव पड़ेगा, लेकिन 40% लगन पे 100% प्रभाव पड़ेगा। इसलिए ध्यातव्य रहे, शरीर पे प्रभाव पड़ने वाला है, आत्मा को चोट थोड़ी ना लगेगी। एक्सीडेंट होगा किसका होगा, शरीर का चोट होगा। राशि आत्मा का प्रतिनिधित्व करती है, मन को बताती है, मन पे चोट लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, मन ट्रक से लड़ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शरीर ट्रक से लड़ जाएगा, गोविंदा नमो नमः हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी दोस्त, पॉइंट को समझिए। इसलिए गुरु को मजबूत करके गुरु के मंत्रों का जाप आज से ही करना शुरू करो, आप अपने गुरु को प्रणाम करना शुरू करो, गुरुतुल्य लोगों को प्रणाम करना शुरू करो, गौ माता को प्रणाम करो, गौ माता की सेवा करो, कहीं मिल जाए उसको गले लगाओ, दो रोटी खिलाओ, मजा आएगा आपको। कोई गुरु नहीं है, कृष्ण वंदे जगत गुरु, भगवान कृष्ण जगत के गुरु हैं, संसार के गुरु हैं, उनके शरण में जाइए, उनको प्रणाम करिए, बेहतर प्रणाम मिलेगा। नहीं समझ में कोई चीज़ आई, दिए नंबरों पर संपर्क करिए, हमारी पूरी टीम आपकी सेवा के लिए हाजिर है। आपके लिए राधे राधे।